निरी आखिरी काटिया रोक ले रोक ले मरी के लिए सारे गुलछल्ले उड़ा दूंगी यहीं पे। तो गाइस मैं अभी सुबह ने कह रहा हूँ अभी आया मैं यहाँ पर, मैंने उससे पूछा बेटे तेरा नाम क्या है, सोनू। मैंने बाबू तेरे पापा क्या काम करते हैं? पता नहीं, हम तो रात को जल्दी सो जाते हैं। मैंने बेटे मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा मैंने तेरे घर में कौन कौन है, तो वो कहने लगा मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी खाला, मेरी फुप्पो, मेरे पापा। मैंने इतने सारे लोग हैं, ये बता तेरे घर में सब में छोटा कौन है? सब में छोटा मेरे घर में मेरे पापा। ना यार तेरे घर में सब में छोटे तेरे पापा, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो आज भी अम्मी के धोरे सो में। लेकिन भैया बड़े अच्छे बच्चे हैं फरीदपुर के, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैंने उस बच्चे से पूछा, वो कहने लगा मेरे से, उस्मान अंकल मैंने हाँ बेटे, के आप बिना दर्द के दांत बाहर निकाल सकते हो? मैंने बिना दर्द के दांत बाहर निकालना तो यार बहुत मुश्किल बात है, थोड़ा बहुत तो दर्द होता है। वो कहने लगा मैं बिना दर्द के दांत बाहर निकाल दूंगा। मैंने निकाल के दिखा। बड़े अच्छे बच्चे। मैंने कहा बेटे आज स्कूल गए हो गए 26 जनवरी? वो कहने लगा हाँ। तो स्कूल में मास्टर ने उनसे सवाल किया, अच्छा बच्चों ये बताओ किस किस के घर में टॉयलेट बना, सब हाथ उठाओ। सारे बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिए लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। मैडम जी पूछी, हेलो आप बताओ कि आपके घर में टॉयलेट नहीं बना? मैडम जी हमारे घर दाल चावल बने। अच्छा अक्सर शादी में हम लोग जाते हैं, शादी के मैं भी प्रोग्राम करता हूँ, बड़ा मजा आता है शादी में परफॉर्मेंस हम लोग करने जाते हैं। तो शादी में क्या होता है, ज्यादातर हमें देखने मिलता है साली देखने को मिलती है। जो जवान जवान लोटे होते हैं उनके तो जलवे आ जा मैं, और जो बुट्टे हों वो लग जा ठिकाने से। गलत नहीं मतलब हुक्का चिलम तंबाकू और अपने अपने हिसाब से लग जा। लेकिन जो साली जो होती ना साली, बड़े बड़े पांच पहन के, ये मोटा मेकअप लगा के और लोहा प्लास्टिक कानों में लटका के और बड़ी अदाओं में पतली दुबली सी होती साड़ी संगी। वही ला रहा हूँ। वो पब्लिक के सामने पहुंचती है, फिर पहुंचने के बाद चीजा के पास पहुंचती है। हेलो चीजा जी। हाँ क्या हुआ? देखियो मैं तुझे पूछ रही थी आपने रसगुल्ला लिया? रसगुल्ला तो ले लिया नहीं, हमने तो नहीं देखा। बड़ी हंसी की है यार। एक बड़ा मियाँ थे, बड़ा मियाँ 60 साल की उम्र हो गई थी, वो शादी में नए नए गए, अभी पीछे बहुत सारी ठंड पड़ रही थी, अभी भी ठंड है खैर, लेकिन ऐसा था सूरज ही नहीं निकल रहा था, बहुत ज्यादा ठंड थी, मगर बारात में होना जाना जरूरी था, पहुंच गए। अब जब रात को सोने की बारी आई तो उन्हें कमरे में लिहाफ मिल गया, आराम से लेट रहे थे। अब इतनी देर में कुछ सहेलियां आई, छिलविली वाली सहेलियां। बड़ा मियाँ, अरे कैसी बात कर रही है? अरे भाई मियाँ हमें तो कहीं लिटा दो कहीं हो जाएंगे। अरे सोने की तो बात है, यहाँ रात गुजार ले, यहाँ गुजार ले। मुसीबत की बात ये थी क्योंकि गरमाई जो होती ना बड़ी मुश्किल से आती है ठंड में, वो गरमाई आई थी, फिर वो दूसरे रूम में चले गए। अब दूसरे रूम में जाने के बाद मैं दूसरी पार्टी आ गई। सहेली बहुत दिनों के बाद मिले तो इसलिए आज वहां पर फिर मौका मिले ना मिला, तो प्लीज आप बाजू वाले रूम में चले जाओ ना। बड़ा मियां फिर बेवकूफ यार, अरे भाई हम क्या करें, ये रूम ही बदलवा देंगे। चलो ठीक है उस वाले में चले जाओ, मैं
अब इसी तरीके से फिर दूसरा रैम चेंज करा, इसी तरीके से उन्होंने 6-7 रूम चेंज कर लिए। आखिर में उन्होंने जब गुस्सा हुए तो वो कहने लगे, अरे भाई एक काम करो, उसे पत्तन को बुलाओ। अरे भाई पुत्तन, तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ शादी में बुलाया है, रजाइयां गरम करवाने के लिए बुलाया है? बारिश आ रही है यार, कुछ तड़कता पलक दे। हाँ तो कवाल साहब रेडी हैं? मुकाबला करना है भैया। चलिए उधर की पार्टी तैयार रहो भैया, तुम सब एक तरफ में एक तरफ, चलो क्या बात है, आ जाओ। देखिए साहब भाई यहाँ आ जाओ, क्या कह रहे हो, बहुत देर से कह रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ मैं आपकी बात। एक जने को कुछ पढ़ से पहले कब भेज दो बेटे, वैसे लव लेटर तो नीरे भेज दिया, आंख खोड़ दी आंख, कम बखत इधर को मत देखे, मेरी तरफ को बतला रही हूँ, मेरी लोनिया बहुत खतरनाक है, प्लीज इधर मत देखो ना, वहीं बैठे रहो, यू शुड हैव अंडरस्टैंड पुश। क्या बात है, लेकिन कहना है कि हाँ, इधर देखो कवाल साहब, तुम शुरू नहीं हो गए, हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें शुरू करने के लिए तुम्हारे अंदर सुर डालने पड़ते हैं। लेकिन कहना है कि कोई ऐसा काम करो कि दुनिया में नाम हो जाए, कवाल साहब कोई ऐसा काम करो कि तुम्हारा दुनिया में नाम हो जाए। कवाल साहब ऐसा कोई काम करो कि दुनिया में नाम हो जाए, और थोड़ा सा तुम सर को, थोड़ा सा हम सर के, हम दोनों का काम हो जाए। देखिए कहना है कि हम साया पेड़ हम सबके काम आए, हम साया पेड़ हम सबके काम आए, और सूख जाए तो जलाने के काम आए, और बेचना देना है लल्ला, तेरी सूरत तो ऐसी लग रही रोटी पकाने की लोहिया। हाँ, बेचना देना समझ के अपने कच्चे मकान को, क्योंकि बारिश में सर छुपाने के काम आए। अरे लोगों ने कहा छोड़ दे ऐसी बीवी को, मैंने कहा हम नगर नहीं, क्योंकि हम मुसीबत में रोटी पकाने के काम आए। अल्लाह क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कुछ बात कही है। किसे कह रही हो? क्या बात है? देखिए कितने भी हो ना तब के तुम। चलिए बोल बोल बोल। लेकिन दिल के छोटों ने मुझे चैन से सोने न दिया। हाय अल्लाह। अधूरा रह गया। दिल की छोटों ने मुझे चैन से सोने ना दिया, और जब चली सर्दी हवा तो तूने मुझे याद किया, और इसका गम नहीं है कि तूने किया है मुझे बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। लेकिन कहना है कि इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया, किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता, और मोहब्बत का सिला उस यार को हासिल नहीं मिलता, अजी हम उनसे क्या मिले जिनसे हमारा दिल नहीं मिलता, हम उनसे क्या मिले जिनसे हमारा दिल नहीं मिलता, मांगेंगे लोग जुल्फों से प्यास की घटा मांगेंगे, लेकिन क्या है?
उस्मान भारती साहब अपने सर से रुपट्टा न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगे। ये कह रहे हैं कि बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे, लेकिन मेरा कहना है, हेलो एक्सक्यूज मी, इन बुड्ढों को ज्यादा मत सताओ, लेकिन इनका कहना है बुड्ढों को क्या? आंख में जो आंसू है कौन इसका सानी है? हाय हाय, आंख में जो आंसू है कौन इसका सानी है? और रुक गया तो मोती है, बह गया तो पानी है, देखना है किसमें कितना पानी है। उधर भी जेंस, इधर भी जेंस, बीच में ना मर्दानी है। क्या बात है? लेकिन कहना है कि चेहरे उतर गए, बुरे हाल हो गए, चेहरे उतर गए, बुरे हाल हो गए, जो लखपति थे वो कंगाल हो गए, और कल तक जो नाचते रहे हिजड़ों के संग में, आज ये मुर्गी चोर का बाल हो गए, आज ये मुर्गी चोर का बाल हो गए। कहने को तो बहुत कुछ, अब कुछ ना कहूंगा मैं, और ये आखिरी खत है मेरा, अब खत ना लिखूंगा मैं, इस खत में दिलो खून है, मेहंदी में मिला लेना, जिस रोज बनो दुल्हन तो हाथों में लगा लेना। लेकिन मेरा कहना है कि ये अल्लाह इन सूखे हुए अंगूरों को पानी दे दे। वाह वाह, ये अल्लाह इन सूखे हुए अंगूरों को पानी दे दे, और इस रुके हुए पानी में तो पानी दे दे, और जो वक्त से पहले हो गए हो बुढ़े, अल्लाह तू इन्हें फिर से जवानी दे दे। जो वक्त से पहले हो गए हैं बूढ़े, उन्हें तू एक बार जवानी दे दे। लेकिन कौन है? हवा चलती है तो बल्ब डोलता है। अच्छा, हवा चलती है तो बल्ब डोलता है। अरे एक चच्चा हैंगे बिचारे, पीछे ना बार बार चश्मा रगड़ रगड़ के देख रहे हैं, ओरिजिनल है लोकल है? अरे भाई साहब, उस्मान भारती हूँ, आदमी हूँ आदमी। कौन कहता है? ओ पिलर पकड़ पकड़ कर चल। उस्मान भाई, कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? जी, कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? अजी करते हैं, लेकिन लोग उन पर शक नहीं करते। लेकिन ये शेर बहुत पुराना है, इधर सुनो ना। बुड्ढे आज बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हुए हैं। बुड्ढे आज यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं। आए हुए हैं, और 8 से 15 दिन के बाद में आज नहाए हुए हैं। और इनकी तरफ कुछ ज्यादा शेर शायरी मत मारो कवाल साहब, ये बुड्ढे पहले से ही तुम्हारी अम्मा फंसाए हुए हैं। कह रहा है कह रहा है, गजल सौथ रहा है। आ कातिल गमे कातिल, आ कातिल गमे कातिल, तेरा तिल तिल कातिल, आईना है के आईने के मुकाबिल कातिल, और मेरी जात के लिए सैकड़ों कातिल कातिल, और मुझको डर है कहीं लड़ जाए ना कातिल कातिल। मुर्गी की तरह आप ना यूं कुड़कुड़ाइए, और अंडा ही देना है तो सीधा दरवाजे में आइए, और मुर्गा ने चमन देते हैं सब झील में अंडे, और कवाल साहब देते हैं तहसील में अंडे।
चक्कर बनाओ, उधर कोई लेडीज बैठी भी नहीं है ना, मुकाबले का प्रोग्राम होता तो राइंड काट देता। लेकिन कवाल साहब आप क्या समझ रहे हो, इधर तो लड़की जो बैठी है वो तुम्हारी है, इधर जो ये लड़की बैठी है तुम क्या समझ रहे हो ये तुम्हारी है, पीछे को बार बार हाथ डाल रहे हो कि तुम्हें खुजली की बीमारी है। गाल पे पाउडर, पाउडर कौन सा लल्ला काला सा।